यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर एस एस सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों से रूबरू होकर विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन में आ रही कठिनाइयों को खुलकर व्यक्त किया। एक सवाल के जवाब में कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचनाओं की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो स्किल्ड व एक्सपर्ट मैन पावर की। बतलाया कि संविदा के आधार पर 40 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से करीब आधे दर्जन शिक्षकों ने सरकारी नौकरी में योगदान दे दिया है। कहा आने वाले समय में पीजी टॉपर्स को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा, जिसके लिए सेवा के बदले में 15,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमसीए, एमबीए और सीएस जैसे कोर्स के लिए विश्वविद्यालय मानव संसाधन से जूझ रहा है। कुलपति ने यह भी बताया कि सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए संबंधित 2-3 एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और धन की कोई कमी नहीं है, गुणवत्ता युक्त उच्चतर शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है। वहीं चांसलर ट्रॉफी के विषय में उन्होंने बताया कि आगामी 17 जनवरी को एनपी यूनिवर्सिटी का 10वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा, जबकि फरवरी माह में कबड्डी प्रतियोगिता के लिए सबसे पहले महाविद्यालयों के बीच प्रतियोगिता होगी। इसके बाद विजेता टीम विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। में हमारी बाधाएं, सबसे बड़ी जो बाधाएं हैं वो है मैन पावर रिसोर्सेज का, है ना। लोकल स्तर पर बहुत सारे हमारे पास जो अभी स्किल ओरिएंटेड कहिए या स्पेशलाइज कोर्सेज हैं, लोकल स्तर पर हमको बहुत सारे मैन पावर या बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल नहीं पाते हैं, और बाहर से लोग आ कर के यहाँ रह के और टीचिंग वगैरह करें, ये भी हमको मतलब रिसोर्सेस मिल नहीं पाते हैं। जैसे हम लोगों ने एमसीए शुरू किया तो अभी भी हम लोग ये मतलब लुकआउट में है कि हमको अच्छे टीचर्स मिलें, जिससे कि हम एमसीए एमबीए को बहुत अच्छे रूप से यहाँ पर संचालित कर सकें। हम अभी प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, उनको अभी हम लोग परख रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखे एमसीए लैब बना दिया हम लोग, है ना। लास्ट ईयर हम लोगों ने एमसीए शुरू किया और अभी हम लोगों ने एमसीए 15 कंप्यूटर का लैब ऑलरेडी फंक्शनल हो गया है। तो मेन प्रॉब्लम वही है, और जब तक हमको मेन पावर रिसोर्सेज ढंग का नहीं मिलेगा, कोई भी कोर्स जो है वो सही ढंग से संचालित नहीं हो पाएगा। इवन कॉलेजेज में हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं, रेगुलर कोर्सेज, उसमें भी हमें शिक्षकों की घोर कमी है, और कुछ कंट्रेक्चुअल से अपॉइंटमेंट करने के बावजूद हमारा जो रिसोर्स क्रंच है वो जैसे के तैसे बना हुआ है। अभी बहुत सारे देखे कंट्रेक्चुअल जिनका अपॉइंटमेंट हम लोग किए, वो छोड़ के हाई स्कूल ज्वाइन करने जा रहे हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन वहाँ हो गया। तो लगभग 40 अपॉइंटमेंट हम लोग कंट्रेक्चुअल किए, उसमें 5-7 अभी देखे छोड़ के चले गए हैं। तो जब तक टीचर्स हमको नहीं मिलेंगे सही ढंग से, है ना, तब तक कोर्सेज को चलाना थोड़ी सी परेशानी का कारण है, और उसी मेन क्रंच उसका वही है। बाकी रिसोर्सेज को तो हम जितना जल्दी होगा हम प्रोवाइड कर देंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या जो उसके लिए रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सब हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सही मेन पावर नहीं होने से कोर्सेज जिस तरह से हम लोग चाहते हैं संचालित हो, उस तरह से संचालित नहीं हो पाए।